अरे मेरे लैपटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप लैपटॉप एचपी का लैपटॉप ले दो। आप लोगों को तो पता है ना एसर के लैपटॉप भी आते हैं। एसर कंपनी काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लैपटॉप के मामले में, जैसे मैं लैपटॉप अपने एचपी की बात कर लूँ तो। एसर कंपनी अब इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में उतर चुकी है, इसने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। सच में कह रहा हूँ, वही जो इलेक्ट्रिक स्कूटर ने लॉन्च किया ये कि एसर एमयूबी 125 4G, जो आपको 120 किलोमीटर नहीं देता है। और कंपनी कह रही है कि मिडिल क्लास के लिए और गरीबों के लिए काफ़ी बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर है। कंपनी तो खैर क्या ही कह रही है, हम जैसे लोग यूट्यूब में ही कह रहे हैं थंबनेल के नाम पे क्लिक बेट करेंगे। वो सब छोड़ दो, मगर ये कि एसर कंपनी ने सीरियसली लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अगर आप लोग जानना है कि एसर के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या 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 मिलता है, चार्जिंग टाइम क्या है, रेंज क्या है, प्राइस कितनी मिल रही है, परफॉर्मेंस क्या है और बैटरी कितनी मिल रही है, तो मैं ये वीडियो पूरी जानते हैं। मैं इस वीडियो में इसी बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एसर क्या कह रहा है, लैपटॉप के अलावा में कितना सक्सेस होगा नहीं होगा, वो तो मार्केट में उतर गया पता चल ही जाएगा। बाकी वीडियो शेयर करने पहले आप सभी को राम राम, कैसे हैं आप लोग, अभी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी डेली बेसिस मिलती रहे, मेरे को मोटिवेशन आती है आपको डेली बेसिस ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो बिना किसी डेडिकेशन में, जैसे गाँव काम करते हैं, कोई डेडिकेशन नहीं है। Astoundingly, the Acer Muvi 125 4G electric scooter, a product from a company more commonly associated with laptops, can travel an impressive 120 kilometers on a single charge. This is a clear testament to the rapid advancements in the electric vehicle industry. This scooter, launched in 2023, is powered by a detachable lithium battery with a capacity of 1.30 kWh. This robust power source is what enables the scooter to achieve its remarkable 120 kilometer range. What's even more impressive is the scooter's fast charging feature, allowing the battery to reach full charge in just 1 hour. The Acer Muvi 125 4G isn't just about range and charging speed, it's also about performance. Equipped with a 3 kW electric motor, this scooter can reach speeds of up to 80 kilometers per hour. However, due to its speed, a license and registration will be required to operate it. In terms of features, the Acer Muvi 125 4G is no slouch. It sports a Bluetooth-enabled touchscreen, navigation, music control, and an anti-theft alarm system. It also includes a USB charging port for added convenience. This scooter is not only lightweight, but was also designed using data-driven design principles. Despite these impressive features and capabilities, the Acer Muvi 125 4G remains affordable. In India, it's priced at 80,000 rupees and can be bought on finance over 36 or 48 months. In summary, the Acer Muvi 125 4G electric scooter is a remarkable machine. Launched by a company traditionally known for manufacturing laptops, this scooter offers a 120 kilometer range, fast charging, and a top speed of 80 kilometers per hour. It also boasts a host of features, including a Bluetooth-enabled touchscreen and an anti-theft alarm system. Despite all this, it remains affordable, making it an excellent choice for those looking to join the electric vehicle revolution. तो एसर कंपनी ने भी अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया एसर का, तो आप लोग ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, टेस्टिंग के लिए कैसा है कैसे, टेस्टिंग के लिए भी काफी पैसा लेना पड़ेगा, मतलब सस्ता तो है नहीं है। इतने बड़े बंदा लैपटॉप ले लेगा, अपने काम बन जाएगा लाइफ टाइम का, मतलब लाइफ टाइम जिंदगी काम बन जाएगा, कुछ पैसे कमा लेगा, मगर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो तो भी आपको डिलीवरी वाला या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कोई पैसे निकल पाए, या कुछ और कोई ऐसा काम जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ हो आपका काम बन जाए या डेली बेस के लिए बन जाओ, मगर कोई बात वही आएगी अगर ख़राब हो गया सर्विस कहाँ कराओगे, ठीक बात ना। तो वो सब देख दुख के लेना अगर आपको लेना है तो, भैया लेते हो कंसिडर करते हो तो मेरे को जो टैग करना किसी प्लेटफॉर्म मेरे को बड़ी खुश। बाकी अगर आपको मैंने कोई डाउट है क्वेरी किसी बाइक को लेकर गाड़ी को लेकर किसी स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम डी पूछ सकते हो, मैं पी को रिक्वेस्ट मैं सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो क्वेरी भी डिटेल वीडियो बना दो तो मेरे को बता सकते, मैं इन्फॉर्मेशन भी टाइप करके डिटेल भी लेकर आ जाऊँगा ताकि आपको डिटेल मिल जाए, कम से कम समझ करना वीडियो फॉर्मेट करना ताकि आप लोग जमा कर दे सको और जो शेयर भी कर सको। बाकी इसलिए अगर वीडियो चले वीडियो लेकर तो आपको पता क्या करना है, लास्ट टाइम सब्सक्राइब।